आइए एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले लेट अस अज्यूम टू द कंट्री दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इसके कंट्रोरी हमने मान लिया कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अब अगर अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो डेफिनेटली ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को हमने एक और वीडियो में इलस्ट्रेट किया है, आप वहां से सीख सकते हैं। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ एक होता है उनको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिन नंबर्स का, ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है, ओनली वन, उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 और 4, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है, उनका कॉमन फैक्टर भी 1 है, तो इसलिए 3 और 4 जो है उनको हम कॉमन को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब अगर ये रूट 5 पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करते हैं। तो p इक्वल्स अंडर रूट 5q, और अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये होगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। और अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्जर्व करते हैं और ये देखते हैं कि ये 5q स्क्वायर वैल्यू है किसकी, p स्क्वायर की। इसका मतलब p स्क्वायर, देयरफॉर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब ये हुआ पी स्क्वायर है, उसकी वैल्यू है 5q स्क्वायर। तो जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा। और चैप्टर 1 की 1.3 के मुताबिक पी इज ऑल्सो, अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और इसे हम ये कंक्लूड करते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड वी शैल यूज दिस लाइन इन द लास्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन। नाउ वी शैल पुट पी इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में p की जगह पर 5c रखेंगे। तो ये होगा 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये होगा 25c स्क्वायर, यहां पर होगा 5q स्क्वायर। 5 को हम दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये होगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि ये जो 5c स्क्वायर है वो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और चैप्टर 1 की थ्योरम 1.3 के मुताबिक देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो क्यू भी जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। और इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। सो बाय दिस लाइन एंड दिस लाइन
वी कंक्लूड दैट 5 इज बोथ कॉमन टू पी एंड क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो पी और क्यू दोनों का कॉमन फैक्टर है। देयरफॉर दिस कंट्रडिक्ट्स आर अजम्पशन दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स एंड दिस कंट्रडिक्शन इज बिकॉज ऑफ अवर अजम्पशन दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।